देखो यहाँ पे देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देखो इनमें से कह रहे हैं कौन से हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे। देखो एडिशन मीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, एडिशन मीन्स जुड़ जाना साथ में। तो एडिशन कब होगा? एडिशन जब होगा जब रिक्वायरमेंट होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं C2H6 को देखूं, पहले मैं आपको बता दूं केवल और केवल जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, कौन से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए C2H6 को, तो ये देखते हैं कि ये अनसेचुरेटेड है या नहीं है। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, है ना, हर जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो सी दो है, ठीक है, यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड, 3H आ गए, 1H इधर, 1H ऊपर, 1H इधर नीचे, 3 ये हुए, चौथा यहाँ ऊपर, पांचवा लेफ्ट में, एंड 6th यहाँ नीचे। तो यहाँ पे कहीं पे रिक्वायरमेंट है किसी चीज की? नहीं है ना। और ये सैचुरेटेड भी है, सैचुरेटेड है तो कोई रिएक्शन को ये फॉलो ही नहीं करेगा, मतलब एडिशन वाली रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, सब्सटीट्यूट रिएक्शन हो सकती है, पर एडिशन जुड़ने वाली रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं है, जुड़ेंगी कहाँ पे, ठीक, हर जगह फुलफिल्ड है, बैलेंस्ड है, स्टेबल है, ठीक। उस इसलिए मतलब C2H6 तो फॉलो नहीं करेगा, तो आंसर में C2H6 नहीं आएगा। C3H8 देख लेते हैं, C3 है और H8 है, 1H यहाँ ऊपर आएगा, इधर लेफ्ट में, इधर यहाँ इस बीच वाली कार्बन के पूरे हो गए, चार हो गए चारों, एंड इधर अगर देखा जाए तो 3 2 5 हो गए, ये H। तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर बन गया है C3H8 का, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, नहीं है, सैचुरेटेड है, तो C3H8 भी फॉलो नहीं करेगा एडिशन रिएक्शन। C3H6 को देख लेते हैं, मतलब C3 है और H6 है, मतलब 1H इधर आ सकता है, एंड 1H इधर आ सकता है, एंड 1H यहाँ नीचे आ सकता है, इधर कार्बन के पूरे हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ डबल बॉन्ड अगर मैं लगा देता हूँ एक जगह पे, क्योंकि H तो ऑलरेडी कम है, तो यहाँ H होगा एक, ठीक है, 3 1 4 हो गए, एंड ये पांचवा H इधर, एंड छठा H इधर। देखो इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 2 और 1 3 4। अब यहाँ पे देखो एक चीज हो सकती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एडिशन रिएक्शन की, मान लो कोई हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हमारे पास हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ये बॉन्ड जो है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वहाँ पे फॉलो होती है, वहाँ पे क्या चीज, एडिशन रिएक्शन फॉलो होती है। तो इसका मतलब जो है C3H6 में भी क्या चीज फॉलो होगी, C3H6 में भी फॉलो होगी एडिशन रिएक्शन। किस किस में होगी? C3H6 में, C2H2 में होगी, देख लेते हैं, C2 है और H हमारे पास एक ही है, एक H इधर हो जाएगा, तो एक H इधर हो जाएगा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई इसकी क्या चीज, वैलेंसी, बॉन्ड फॉर्मेशन पूरे नहीं हुए, चारों के चारों बॉन्ड सराउंडिंग में नहीं बने हैं, इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन भी खत्म हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे। तो अब तो ये तो चाहेगा ही एडिशन रिएक्शन होगी, मैं बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाए, हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो एडिशन रिएक्शन तो यहाँ पे भी फॉलो होगी। तो किस किस में होगी? C3H6 में, C2H8 में, H2 में, CH4 में देख लेते हैं। CH4 तो पहले ही कह रहा है कि मेरे साथ मत करो भाई, क्यों, C1 और हाइड्रोजन 4 है, ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से चल रहा है काम, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। केवल और केवल दो कंपाउंड जो हैं वो फॉलो करेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, कौन कौन से, C3H6 एंड C2H2, यही आपको आंसर में लिखना है। देखो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये फॉलो होना चाहिए, CnH2n+2, मतलब C जितने भी है ना उसके डबल का दो ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो फॉलो नहीं करेंगे। अगर इसको ऐसा नहीं होता है तो वो फॉलो करेंगे। देखो डबल का दो ज्यादा है, 4+2, 3 to the 6+2, एंड 1 to the 2+2, तो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, और ये देखो 3 to the 6, तो यहाँ पे डबल का दो ज्यादा नहीं है, डबल ही है, तो ये भी फॉलो करेगा C3H6, और C2H2 भी एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा।